तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। एंड दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोग मेरे हर वीडियो में सीख पाते हो कि कैसे कैसे मैं एडिटिंग करता हूँ, और इसमें कुछ अलग ही तरीका बताया हूँ जिससे कि आप अपने एडिटिंग स्किल को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं एंड अपने एडिटिंग को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, शॉर्ट पर बिल्कुल कलर नहीं है, मतलब ये हल्का सा कलर है, और यहाँ पर मैंने जब इसको एडिट किया ना तो फोटो मतलब यहाँ पर कलर काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल गया, और साथ ही साथ हमारे फेस पर भी देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो हैंड है यहाँ पे एक कलर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस टाइप का एडिटिंग सीखने वाले हैं। चलिए मैं इसको फटाफट से इरेज करके उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब इसमें मैंने दो बार एडिट किया, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि एक फोटो में मेरा वाइल्ड पेंट इफेक्ट है और एक फोटो में मेरा सिंपल सा है। तो देखिए ये वाला मेरा फोटो है कुछ इस तरीके से, और चलिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने गैलरी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये जो फोटो है ना, इसमें कोई वाइल्ड पेंट इफेक्ट मैंने नहीं दिया है, ये नॉर्मल मैंने फोटो को एडिट किया तो कुछ इस तरीके से, और इस फोटो में मैंने वाइल्ड पेंट इफेक्ट दिया है। तो आपको जो अच्छा लगे वैसे आप एडिटिंग कर लेना। बाकी यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इस तरीके का एडिटिंग किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने ओरिजिनल फोटो को भेज लेना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो ये जो है ना मेरा ओरिजिनल फोटो है, और इसको सिंपली से हम यहाँ से क्या करेंगे, स्नैपसीड के अंदर भेज लेंगे। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है मैं कैसे कैसे एडिटिंग कर रहा हूँ। देखिए मैं स्नैपसीड के अंदर भेज दिया, उसके बाद यहाँ पर टूल पर जाना है, और यहाँ पर सिंपली आपको एक टॉन इमेज का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से ना आपको कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाना है, बाकी यहाँ पर सेचुरेशन को भी आप थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है, इतना आपको करना है। और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको राइट करना है। राइट करने के बाद आपको फिर से टूल पे जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है यहाँ पे डिटेल, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपने डिटेल्स को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से राइट करना है। राइट करने के बाद फिर से आपको जाना है यहाँ पे टूल पे, ये जो टूल का ऑप्शन है ना इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे एक सिलेक्टिव टूल का ऑप्शन है ना इस पर आपको टैप करना है, बहुत ही बेस्ट टूल होता है जिससे कि आप अपने एडिटिंग को बढ़िया से बना पाते। तो यहाँ से आपको जूम करना है, जूम करने के बाद अपने फेस पे जाना है, और इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्मॉल करना है, और ऐसे राइट की तरफ करना है, तो आपका फेस यहाँ से वाइट दिखेगा और गोरा भी होगा। चलिए मैं कंट्रास्ट को बिल्कुल कम नहीं करूँगा, इक्वल रखूँगा जितना था मेरा, इतना आपको कर लेना है। फिर से ऐड वाले ऑप्शन पे जाना है, और इधर भी हमको रखना है, ठीक है, और इस तरीके से आपको करना है, ब्राइटनेस को ज़्यादा करना है, ठीक है, राइट करना है। अब देखिए जितना भी अपने फोटो को जूम करके कीजिएगा ना तो यहाँ पे ये बहुत ही बेस्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नॉर्मली कर लेना है, देखिए मैं कैसे कर ले रहा हूँ, इस तरीके से आपको सिंपली अपने ब्राइटनेस को यहाँ से बढ़ा लेना है अपने फेस से, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर भी, तो चलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ। सो चलिए मैंने फेस पे तो लाइट दे लिया, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरा पहले इस तरीके से था, मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। अब बात है ना मेरे शॉर्ट के कलर को, तो सिंपली हम टूल पे जाएंगे, फिर से सिलेक्टिव टूल पे जाएंगे, और ऐसे अपने ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है, छोड़ देना है, और थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों आपको जाना है सेचुरेशन को, यहाँ से आपको बढ़ाना है, और साथ ही साथ आपको कंट्रास्ट को भी बढ़ा लेना है, देखिए। तो ऐसे आपको सिंपली जहाँ जहाँ भी चाहिए वहाँ कर लेना है। तो चलिए मैं इसको भी जल्दी जल्दी कर लेना हूँ, देखिए कंट्रास्ट को बढ़ाऊँगा और नीचे सेचुरेशन को, बस दो ही चीज़ आपको करना है। सो इतना मैंने कर लिया, उसके बाद एक काम और करना है, टूल पे जाना है, सिलेक्टिव टूल पे फिर से जाना है, और फिर से आपको वही टूल सेलेक्ट करना है, और ऐसे जूम करना है, और नीचे एक ऑप्शन आता है स्ट्रक्चर, इसको आपको इंक्रीज करना है जिससे कि आपके जो शॉट है ना उसमें आपको टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपका शॉट काफ़ी ज़्यादा HDR भी दिखेगा। तो ये आपको काम नॉर्मली कर लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस फोटो को यहाँ से शेयर करना है Lightroom मोबाइल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, Lightroom के अंदर हम भेजेंगे, और थोड़ा सा हम अपने पहले तो हम एक काम करेंगे, अपने बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट करेंगे, एंड अपने फेस पर भी थोड़ा सा लाइट देंगे। तो चलिए इसको भेज लेता हूँ Lightroom के अंदर, और दोस्तों हमारा जो फोटो है यहाँ पे Lightroom के अंदर ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा काम करेंगे। वो क्या करना है आप ध्यान से देखिए, आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पे लाइट पे जाना है, और यहाँ पे एक शैडो का ऑप्शन है ना, शैडो के ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ाना है, नीचे एक ब्लैक्स का ऑप्शन, इसको आपको कम करना है, ठीक है। इससे ब्लैक्स कम करने से ना आपका टेक्स्चर फेस में आता है, और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कलर्स पर जाएंगे, और सबसे पहले तो आपको मिक्स टूल पर जाना है। मिक्स टूल पर जाने के बाद ग्रीन के सेचुरेशन और ह्यू दोनों को आपको कम करना है, येलो में भी सेम टू सेम वही काम करना है, जिससे अपना आपका बैकग्राउंड जो है ब्लैक दिखेगा, ओके। उसके बाद अपने फेस के काम करना है, तो यहाँ पे फेस के सेचुरेशन को कम करना है, हमने इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे तो हमारा फेस जो है ना यहाँ से वाइट हो जाएगा, ओके। इतना काम आपको नॉर्मली कर लेना है यहाँ से, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बाकी का जो कलर है ये जो है ना अपने शॉर्ट के लिए है, तो शॉर्ट का भी सारे के जितना भी दिख रहा है ना जो भी कलर, उसका सेचुरेशन आपको हाई कर लेना है, जिससे कि आपका शॉर्ट यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखेगा। रेड का है सेचुरेशन, इसको भी हम हाई करेंगे। बाकी जितना भी कलर्स है आपको अपने हिसाब से रखना है कि हमें क्या रखना है तो अच्छा लगे, ठीक है, मैं इतना रख लूँगा। उसके बाद यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद दोस्तों आपको जाना है इफेक्ट पे, और यहाँ से क्लैरिटी को भी हम बढ़ा लेंगे।
देखिए क्लैरिटी मैंने बढ़ा लिया, उसके बाद डिटेल पे जाना है और यहाँ पे शार्पनिंग को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। बाकी का यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना है, ये काम और करना है सॉरी। यहाँ पे कलर्स पे जाना है और यहाँ पे ग्रेडिंग पे क्लिक करना है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है ना ये वाला, इस पर आपको टैप करना है ठीक है, और यहाँ से पकड़ना है और थोड़ा सा हम अपने फेस पे ना रेड वाला इफेक्ट देंगे, तो यहाँ से रेड वाला इफेक्ट यहाँ से चूज कर लेना है। चलिए ये चाहिए ना मेरे को रेड में हल्का सा, तो इस तरीके से हमको रख लेना है और यहाँ से कर लेना है डन। डन करने के बाद देखिए मेरा फोटो यहाँ से बहुत हद तक बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने फेस को स्मूथ करेंगे एंड अपने बैकग्राउंड को यहाँ से चेंज करेंगे। तो सिंपली से हम क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से कर लेंगे सेव। यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आता है, सेव टू डिवाइस लिखा हुआ, हालांकि मेरे फ़ोन में भी नहीं आता है पता ना क्यों। यहाँ से जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो जो है यहाँ पे सेव होगा। सेव होने के बाद हम अपने बैकग्राउंड को लेंगे और क्या बोलते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर हम एडिट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन जहाँ से आप HD क्वालिटी में अपने फोटो को एडिट कर पाओगे। तो वहाँ पर हम बैकग्राउंड को ओपन करेंगे, फिर जो है आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या करना है। सो मेरा फोटो जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने बैकग्राउंड को ओपन करेंगे ऑटोडेस्क के अंदर। तो यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और ऑटोडेस्क के अंदर अपने बैकग्राउंड को हम भेज लेंगे। उसके बाद हमें अपने फोटो को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक स्केल का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको टैप कर लेना है ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनपुट इमेज का, इस पर आपको टैप करना है। और जैसे ही आप टैप कीजिएगा तो आपका गैलरी ओपन होगा और यहाँ से आपने जिस फोटो को अभी एडिट किया था उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों आप अब आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट करना है। राइट करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से पहले अपने फेस को स्मूथ कर लीजिए ठीक है। तो फेस को स्मूथ करने के लिए आपको पता है कि हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, कैसे कैसे क्या करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्मज टूल ठीक है। ये जो है ना स्मज टूल है, यहाँ पर बहुत सारे ब्रशेस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो सिंपली आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, सबसे लास्ट वाला ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, सेटिंग के अंदर जाना है, तो सेटिंग आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर दो रखना है फॉलो को और स्ट्रेंथ को भी आपको दो रखना है ठीक है, आपको दोनों को इतना रख लेना है। और साइज़ जो है ना, ये जो साइज़ ये अपने हिसाब से रखा जाता है ठीक है। तो अभी देखिए मैं क्या यहाँ पे साइज़ रखूँगा, तो इस तरीके से आपको साइज़ इतना रख लेना है, देखिए बहुत बड़ा हो रहा है तो हमको छोटा करके इतना बड़ा रखना है। उसके बाद हमें इस तरीके से राउंड राउंड सा घुमाना है, जितना आप साइज़ छोटा रखिएगा ना आपके लिए बेस्ट होगा स्मूथ करने में, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर। और ऐसे आपको राउंड राउंड सा घुमाना है तो आपका फेस जो होगा यहाँ से बहुत ही अच्छा स्मूथ होगा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आपको तो पहले ऐसे नॉर्मली चारों तरफ अपने फेस के घुमा लाएँ ताकि आपका फेस ऐसे नॉर्मल मतलब स्मूथ हो जाए, उसके बाद आप इसे बराबर करना। मैं कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी कर ले रहा हूँ ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने फेस को घुमाना है, स्मूथ करना है ठीक है। तो चलिए मैं इसको फास्ट करूँगा वीडियो को और फटाफट से स्मूथ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरीक़े से जो है ना अपने फेस को स्मूथ कर लिया है ठीक है। और इसको बहुत देरी से मैंने किया, मतलब धीरे 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 करते करते ये हो पाया। तो आपको ही ऐसे ही मतलब आराम आराम से करना है, यानी कि तेज़ी में करके आप अपने फेस को ख़राब कर लीजिए ठीक है। तो ऐसे आपको स्मूथ कर लेना है। अब देखिए फेस स्मूथ होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए तो आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पे जाना है ठीक है, अपने फेस को और ज़्यादा गोरा करना है ना, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और मैचिंग पहले करवा लूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा था अच्छा, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया ठीक है। और ये जो मैचिंग करना है ना आपको, ये एक चीज़ में मिस्टेक मैं भी कर रहा हूँ, तो आपको सिंपली यहाँ पे लेयर पे जाना है, सॉरी यहाँ पे जाना है और सेटिंग पे जाना है, दो दो है ना, तो आपको एक एक रख के मैचिंग करना है ठीक है, दोनों को आपको एक रखना है। उसके बाद आपको जो दाग वाग सा दिखता है ना आपके फेस पे ब्लैक ब्लैक सा, तो उसको यहाँ से आप एक एक करके ऐसे चलाइएगा ना तो वो ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आपका फेस जो है यहाँ से स्मूथ होकर भी आएगा ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिप्स का कलर चेंज करना है। तो लिप्स का कलर कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमें एक लेयर लेना है। लेयर लेने के बाद कलर्स पे जाएंगे और यहाँ पर रेड कलर हमें सेलेक्ट कर लेना है ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रशेज पे क्लिक करेंगे ठीक है, ब्रशेज पे जाना है और यहाँ पे आपको कौन सा ब्रश लेना है ऊपर जाना है। और यहाँ पे जो आपको ये वाला ब्रश दिख रहा है ना, बहुत ही बेस्ट ब्रश होता है ये ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे सेटिंग वोटिंग इसमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है लेयर पे, और यहाँ से लेयर पे जाने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, नॉर्मल से इसको सॉफ्ट लाइट पे कर देना है। उसके बाद इसके जो है ना यहाँ पे फुल ओपेसिटी इसको 100 रखना है और ऐसे आपको पेंटिंग करना है अपने लिप्स पे। तो देखिए यहाँ पे आपका लिप्स का कलर यहाँ पे चेंज होगा, उतना ज़्यादा रेड नहीं दिखेगा, नॉर्मल ही दिखेगा, इसको आप सैचुरेशन वगैरह करके इसको रेड और ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है। तो आपको इतना कर लेना है। उसके बाद आपको बैकग्राउंड इरेज करना है यहाँ से, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है,
यहाँ पे जाना है, ये जो स्केल वाला ऑप्शन है सॉरी उसमें नहीं, ब्रश पे जाना है और लाइब्रेरी के अंदर जाना है और ये इरेजर ब्रश आपको यूज़ करना है देखिए। और इसका जो ओपेसिटी है ना आपको फुल रखना है और साइज आपको जितना छोटा रखिए ना बेस्ट होगा, आपको साइज छोटा रख के पहले आप अपने इस तरीका से, चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिस्टेक किया, तो आपको साइज सब चीज़ देख लेना ध्यान से, उसका अपने मतलब अपने बॉडी अपने जो जो लेयर है ना अपना उस पर सेलेक्ट करना है और इस तरीका से देखिए जूम करना है और ऐसे देखिए साइज बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको हम छोटा रखेंगे इस तरीका से, थोड़ा सा और बड़ा रखते हैं और ऐसे छोटा रखना है। और सबसे पहले तो आपको अपने लाइनिंग करना है, मतलब अपने आइड साइड जो है ना लाइनिंग एक बना लेना है। देखिए इसको हमने कैसे करी, तो यहाँ से हमको जाना है देखिए और कुछ इस तरीका से आपको रखना है ठीक है, मतलब ऐसे आपको इरेज करना है। बाकी इधर जो मेरा बैकग्राउंड है तो इसको हम क्या करेंगे देखिए, पहले तो हम लाइनिंग इस तरीके से अपने बॉडी के किनारा किनारा एक लाइनिंग ड्रॉ करेंगे, ये अगर दिक्कत पहुंचाती है ना तो आपको यहाँ से इस लेयर को ढक देना है ठीक है इस तरीके से ओके। हाँ अब यहाँ पे वाइट दिख रहा है तो आप इजीली यहाँ से घुमा कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसको भी जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ। देखिए ऐसे आपको लाइनिंग करना है, मतलब ये अपने बॉडी के आइड साइड पहले लाइनिंग इस तरीके से बना लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा, आपको बस ऐसे ध्यान से देखना है ठीक है, इस तरीके से आपको लाइनिंग बनाना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी बनाकर इसको इरेज कर ले रहा हूँ। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे किनारा किनारा जो है ना लाइनिंग बना लिया है, यहाँ पे हेयर मैंने बिल्कुल कटिंग किया है, बाद में इसको सही कर दूंगा ठीक है, इतना आपको करना है मैं आपसे पहले ही बताया था। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीका से बिंदी पे क्लिक करना है और इसके साइज को बड़ा करना है ठीक है, और बड़ा करने के बाद ऐसे आपको अभी इरेज करना है ठीक है। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से इरेज कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इरेज कर लिया और बहुत मेहनत लगा यहाँ पे इरेज करने में, क्योंकि एक एक पार्ट हमें देखना था कि कैसे कैसे हमें इरेज करना है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इरेज मैंने बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ से कर लिया है। उसके बाद हमें अब क्या करना है कि यहाँ पे जाना है लेयर पे और यहाँ से जो है इसको हमें इस तरीके से टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया से मेरा बैकग्राउंड रिप्लेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने हेयर को चेंज करेंगे, मतलब हेयर के स्टाइलिश को चेंज करेंगे, तो सिंपली हमें जाना है ब्रश पे और लाइब्रेरी के अंदर जाना है, नीचे आपको एक ऑप्शन ब्रश ये वाला आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है स्मॉज में ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको सेटिंग भी दिखा दे रहा हूँ, सेटिंग आपको कुछ इतना रखना है, फॉलो को 18 और स्ट्रेंथ को आपको 26 रखना है ठीक है, इतना आपको रख लेना है और सिंपली आपको ऐसे ऐसे अपने हेयर पर करना है। तो देखिए यहाँ पर हेयर भी मेरा काफ़ी अच्छा यहाँ पर बन के आएगा, ताकि मतलब हेयर बिल्कुल शार्प दिख रहा था, तो यहाँ से ऐसे हम कर देंगे ना तो शार्प नहीं दिखेगा ठीक है। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने हेयर को भी बना लिया, उसके बाद देखिए मेरा फोटो बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से कर लेंगे सेव कर लेंगे या फिर शेयर पहले हम कर लेते हैं स्नैपसीड के अंदर ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, या तो सेव कर लेना या फिर आप शेयर भी कर सकते हैं, पहले आप सेव कर लें मैं आपको रिकमेंड करूँगा ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर शेयर करता हूँ, स्नैपसीड के अंदर आपको शेयर करना है और यहाँ पर एक पॉप का फिल्टर आ जाता है, देखिए आप जैसे ओपन कीजिएगा तो स्टाइल्स पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो तीन नंबर जो ऑप्शन है ना पॉप का, देखिए ये वाला पॉप का फिल्टर है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका फ़ोटो जो है ना बिल्कुल यहाँ पे लाइटिंग आ जाएगा आपके फ़ोटो पे, देखिए इस तरीके से, और आपको यहाँ से डन करना है ठीक है, इतना आपको कर लेना है। या फिर अगर आप ज़्यादा लाइटिंग नहीं चाहते तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर मैनुअली अपने हाथ से मैनुअल यहाँ पर करेंगे, टूल पर जाएंगे और यहाँ पर टर्न इमेज पर क्लिक करेंगे, बाकी यहाँ पर कंट्रास्ट वगैरह अपने मतलब अकॉर्डिंग यहाँ पर हम रखेंगे, वो ऑटोमेटिक करता है और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रखना है ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल कंट्रास्ट का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना छोटा करेंगे, चलिए इसको मैं एक बार सॉरी, तो यहाँ पे हम जाएंगे टोटल कंट्रास्ट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे और बाकी जो है ना मीडियम टोन्स को भी कम करेंगे और इधर भी लो टोन्स को भी कम करेंगे ठीक है, और यहाँ से राइट करेंगे। राइट करने के बाद देखिए मेरा फोटो काफ़ी अच्छा बन चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे, मेरा फोटो जो सेव होगा। अब देखिए जैसे मेरा फोटो सेव हुआ ना तो यहाँ पर हम गैलरी के अंदर चलेंगे ठीक है, और जो भी मैंने फोटो का अभी बनाया है इसको हम फिर से लाइट रूम के अंदर ओपन करेंगे ठीक है। अब लाइट रूम के अंदर मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे आप ध्यान से देखना ठीक है, लाइट रूम के अंदर मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ ना कि थोड़ा सा और अपने फ़ोटो पे मैं लाइटिंग दूँ, जिससे कि मेरा फ़ोटो और ज़्यादा चमकीला दिखेगा ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, ये पहले वाला मेरा फ़ोटो है और अभी का जो फ़ोटो है यहाँ पर इनपुट हो रहा है ठीक है, तो इनपुट हो जाने दीजिए इसको।
तो देखिए यहाँ पे इनपुट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, लाइट पे जाना है और यहाँ पे कंट्रास्ट को थोड़ा सा आपको बढ़ाना है और नीचे ब्लैक्स को भी थोड़ा सा आपको कम करना है। बाकी यहाँ पे शेडो है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि मेरे फेस पे जो धुंधला सा है ना, इसको मतलब ब्लैक पार्ट्स है ना, वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जाएंगे, आपको कलर्स पे जाना है। मिक्स टूल के अंदर जा करके आपको यहाँ पे जो भी कलर चाहिए, जैसे बैकग्राउंड में कुछ अलग चाहिए तो हम इस तरीके से दे लेंगे, लेकिन मेरे शॉर्ट पे भी कलर जो है ख़राब हो जाएगा, तो इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको करना है, रेड टोन को भी आपको यहाँ पे कर लेना है। बाकी जो ग्रीन है ना, इसको बिल्कुल कम रखना है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, देखिए इस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डन करेंगे। डन करने के सॉरी यहाँ पे एक फेस का भी कलर हम देख लेंगे कि हमें फेस कैसे चाहिए, ज़्यादा वाइट चाहिए तो हम इधर कर लेंगे और यहाँ से इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो वाइट हो जाएगा मेरा फेस। उसको डन करना है। और बाकी जो है इफेक्ट है ना, इसको हम ज़्यादा करेंगे। बाकी यहाँ पे एक वैनिट का ऑप्शन है, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। डिटेल पे जाकर के शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे तो मेरा फोटो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब चाहे तो आप इसमें ऑयल पेंट इफेक्ट दे सकते हैं, वो आपको मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हूँ, जाकर के आप मेरे चैनल के अंदर देखिएगा। तो ऑयल पेंट इफेक्ट कैसे देते हैं टू लाइज के अंदर, वो चीज़ आपको यहाँ से कर लेना है, या फिर आप ऐसे भी इस फोटो को सेव कर लेना। और यहाँ से एक काम और करना है, आपको नीचे जाना है और यहाँ पे जो वार्मनेस है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सेचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि मेरा फोटो में और ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पे दिखे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे शेयर पे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव टू डिवाइस का। अब लास्ट टाइम आपको यहाँ पे अपने फोटो को सेव करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और सारे फोटोज और बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया हूँ, तो जाकर के जरूर से विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।